हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोबरा के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन फाइला में कॉर्डेटा। जैसे कि हमने बात कर लिया प्रीवियस लेक्चर में कि कॉर्डेटा का मतलब जिसमें वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिलेंगे गिल स्लिट्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा। क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब क्या? वे कॉर्डेटा जो जब मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उनका वेंट्रल पार्ट, निचला वाला हिस्सा जमीन पर रगड़ते हुए चलता है, तो क्या कहलाता है? वो रेप्टाइल्स कहलाता है। तो उसको कौन से क्लास में रखते हैं? हम उसको रेप्टिलिया क्लास में रखते हैं। ठीक है, तो जनरल सा कैरेक्टर है इसका कि जब ऑर्गेनिज्म जमीन पर चल रहा होगा तो उसका निचला वाला हिस्सा कहाँ पर रगड़ता हुआ जाएगा? जमीन पर। ठीक है, जैसे स्नैक को देख सकते हैं आप, ये जब ये चलेगा तो उसका निचला हिस्सा जमीन पर रगड़ते हुए जाएगा। ठीक है, अगला है ऑर्डर स्क्वामेटा। स्क्वेमस का मतलब होता है स्मॉल स्केल, छोटी छोटी सल्क। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में ये जो कोबरा है, कोबरा के बॉडी के ऊपर में बहुत छोटी छोटी सल्क पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, ये बहुत छोटी छोटी सल्क होती हैं ऐसे। ठीक है, बहुत 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 सारे सल्क, पूरे बॉडी सल्क से घिरा होता है, छोटी छोटी स्केल से घिरा होता है, तो जिसमें स्मॉल स्केल स्केल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वामेटा। जीनस क्या है? नाजा। ठीक है, इसका जीनस क्या है? नाजा। तो फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्क्वामेटा और जीनस नाजा। हैबिट एंड हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिट का मतलब क्या? कि वो किस प्रकार के भोजन को फीड करता है, खाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, फ्रॉग को खाएगा, लिजार्ड को भी खाता है, रैट्स मतलब चूहों को भी खाता है और विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट को भी ये खा लेते हैं। डाइयूर्नल का मतलब क्या? डाइयूर्नल मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपनी भोजन करने के लिए वो दिन में ही विचरण करते हैं, दिन में ही घूमते हैं, भोजन ढूंढते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वो डाइयूर्नल। जबकि जो रात को भोजन ढूंढते हैं वो कहलाते हैं नॉक्टर्नल। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वो नॉक्टर्नल, NOCTURNAL। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, निशाचर होता है। ठीक है, तो ये सांप कैसे होते हैं बोलने पर? डाइयूर्नल मतलब दिन को भोजन ढूंढते हैं। कहां पर रहते हैं ये? जगह क्या होता है? ऑन अंडर द स्टोन, किसी पत्थर के नीचे मिलेंगे आपको, या किसी कीचड़ में मिलेंगे, या फिर कहां मिलेंगे? जहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशंस है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ जैसे हैं, वहीं पर मिलेंगे, या फिर किसी होल में, बिल में। ठीक है, ये इनके रहने का जगह हो गया। अगले देखते हैं कमेंट्स। सबसे पहला कमेंट तो ये है कि इस कोबरा को और किस नाम से जानते हैं हम? एक तो इंडियन कोबरा बोलते हैं, दूसरा सबसे उसका प्रचलित नाम है नाग। क्या बोलते हैं उसको हम? नाग। ठीक है, दूसरा देखिए बॉडी। बॉडी इसका तीन भागों से बटा होता है, ये देखिए, ये सॉरी चार भागों से बटा होता है। इसका ये हेड हो गया, ये नेक गर्दन, बाकी इतना बड़ा सा ये कि देख रहे ट्रंक धड़ है इसका, और लास्ट में क्या होता है? टेल। तो कितने भाग हो गए? ये चार, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। कलर कैसा होता है? मैक्सिमम केस में देखने को मिलते हैं जो कोबरा होते हैं या तो ब्लैक कलर के होते हैं या तो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के मिलेंगे। बॉडी, इसका पूरा बॉडी किससे घिरा होता है? ये स्केल से घिरा होता है, सल्क से, स्मूथ सल्क पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, स्केल्स पाए जाते हैं और वो स्केल्स ऐसे सीधा सीधा नहीं लगे होते, ये ऑब्लिक लगे होते हैं, ऑब्लिक मतलब ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे मिलेंगे आपको सल्क। ठीक है, ये सल्क मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि इसके बॉडी में ऐसा ऐसा सल्क मिलेगा, ऐसा सल्क नहीं लगे होते इसके बॉडी में। ठीक है, ऑब्लिक लगे होते मतलब इस प्रकार से, अगर बॉडी ऐसा, इसका पीठ है ये पीठ वाला हिस्सा है, तो सल्क ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मिलेंगे, ये छोटे छोटे सल्क हमें मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, ये आगे देखते हैं हमारा पांचवा नंबर का कैरेक्टर है हेड। हेड देखिए, नॉट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नेक, इसका जो हेड है गर्दन से अलग नहीं होता। अगर इसका ये जो हुड दिख रहा है, अगर हुड जो ऐसा फैला हुआ है, अगर वो सिंपल हो जाए तो ये सांप इस प्रकार से दिखेगा आपको। देखिए, इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। तो इसका जो हेड होता है, ये हेड, ये देखो, ये यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ऐसे दिखेगा। ये जब फैल जाता है तो ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो जब इसका नेक या गर्दन सिकुड़ा हुआ है तो हेड और नेक का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो हेड नेक से डिफ्रेंशिएट नहीं होता, जुड़ा होता है। अगला देखिए नेक, उसके गर्दन की बात कर लेते हैं हम। गर्दन डायलेटेबल, ये डायलेट हो सकता है, फैल सकता है, जैसे अभी बोला फैल जाएगा तो ऐसे दिखेगा, नहीं फैला तो ऐसे दिखेगा। डायलेटेबल, इलांगेटेड सर्वाइकल रिब्स, यहाँ पर जो इसकी रीढ़ की हड्डी होंगी, इस रीढ़ की हड्डी में कुछ पसलियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से कुछ पसलियाँ पाई जाएंगी ऐसे, ये पसलियाँ देख सकते हैं आप, ये पसलियाँ ऐसे रिब्स पाए जाएंगी। ये रिब्स नीचे की ओर झुका होता है, बहुत लंबी लंबी रिब्स होती हैं और नीचे की ओर झुकी होते हैं, कहाँ पे? गर्दन में। लेकिन जब यही रिब्स, ये जो नीचे से झुका हुआ है सब रिब्स पसलियाँ, जब ये गर्दन को फैलाएगा, डायलेट करेगा,
तो ये रिप्स उड़ जाती ऊपर की वजह से, जब ऊपर की उड़ जाएंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फिर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये तो हो गया उसके रीढ़ की हड्डी, अब जब उड़ जाएगा तो देखिए ये इस प्रकार से दिखाई देगा। जब इस प्रकार से दिखाई देगा तो इसकी जो ऊपर की जो स्किन है खींचा जाएगा ऐसे, स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तब उसका गर्दन कैसे दिखेगा, फूला हुआ नजर आएगा, ठीक है, मतलब फैला हुआ नजर आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, लंबी लंबी रिप्स की वजह से, उसके गर्दन में लंबी लंबी रिप्स पाई जाती हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं हुड, इसका जो हुड है जो दिख रहा है इस प्रकार से स्ट्रक्चर, अगर उसको पिछले हिस्से को देखो तो ऐसे दिखेगा। तो हुड में कुछ मार्क दिखाई देते हैं, अगर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं तो उसके हिसाब से तीन प्रकार से, उसके अनुसार तीन प्रकार की स्नेक होंगे। उन मार्क्स को बोलते हैं स्पेक्टेकल मार्क्स, क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेक्टेकल मार्क्स। हो सकता है कि कुछ कोबरा ऐसे हों जिनमें स्पेक्टेकल मार्क्स ना हो, तो उसको बोलते हैं हम नॉन सिलेट कोबरा, क्या बोलते हैं उसको हम, नॉन सिलेट, नहीं है कुछ, एक भी नहीं है। ये देखिए पिछले हिस्से से ऐसे दिख रहा, देखिए एक भी यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, तो नॉन सिलेट कोबरा। अगर एक मार्क है मोनोसिलेट कोबरा, अगर दो मार्क हैं और दो मार्क है तो वो यू शेप का दिखाई देगा, देख सकते हैं इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोसिलेट कोबरा। तो नॉन सिलेट कोबरा कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है, एमपी में मिलता है, गुजरात में मिलता है। मोनोसिलेट कहाँ मिलता है, बंगाल में मिलता है। और बाइनोसिलेट कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इस जगह पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, ज़्यादातर इस जगह पे दिखाई देते हैं। अगला क्या देखिए, उसका टेल, टेल देखिए कैसा है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलन आकार होगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं ये कैसा राउंड दिख रहा है, इस प्रकार से राउंड दिखाई देगा, ठीक है।